लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। दिल्ली के वीआईपी कॉलोनियों में भी लोग अब नहीं है सुरक्षित। काम करने वाली बाई ने लगाई लाखों का चूना। मामला दिल्ली के मुखर्जी नगर का है, जहां चंद्र मोहन शर्मा के यहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 19 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह जब सारे लोग ड्यूटी चले गए तो घर में बूढ़ी माँ को अकेले पाकर घर की नौकरानी उनकी चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर उन्हें पिला दिया और लाखों की संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो गई। एक या दो नहीं बल्कि तीन लोगों की करतूत है। दो लोग घर की नौकरानी थी और एक अनजान लड़का था, पर उन तीनों को क्या पता था कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। पूरी कहानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार से और जिस एजेंसी से नौकरानी हायर की गई थी उस एजेंसी की मदद से छानबीन कर रही है। पुलिस ने एक नौकरानी के सगे भाई को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं पीड़ित परिवार से जब मैंने बात किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सीसीटीवी फुटेज आप और देखें। चंद्र मोहन शर्मा जी, जी सैटरडे की दिन में क्या हुआ था आपके यहाँ? देखिए, मॉर्निंग 10-1 बजे के करीब मैं, मेरे ब्रदर और मेरे फादर, हम लोग अपने काम पर चले जाते हैं और इसी दौरान हमारी वाइफ जो वो भी काम पे जाती हैं, मेरे ब्रदर की भी, तो 10 बजे के करीब हम लोग सब घर छोड़ के चले गए थे। और ये इंसिडेंट लगभग हम 10:30 बजे हमारे फादर साहब वो लास्ट जाते हैं घर से, तो वो निकले और उसके बाद 11:30 के करीब इन्होंने मेरी मदर को ब्रेकफास्ट दिया। ये दो मेड्स थी नेपाली, इन्होंने हमारी मदर को ब्रेकफास्ट दिया और मुझे लगता है कि 11:30 और 12 के दौरान इन्होंने मेरी मदर को दोबारा कुछ खाने को दिया, जो कि मेरे जो कि हमें इन्फॉर्मेशन है कि जैसे बाहर के लोगों से कि आपकी मदर झूम रही थी या समथिंग लाइक इट, तो वो लोग फिर हमारी मदर को अंदर लेके आए। फिर उन्होंने चाय वाय पिया और चाय पीने के बाद मेरी मदर अनकॉन्शियस हो गई, क्योंकि वो फिर बेड पे लेट गई या उनको करा, तो 12:30 के करीब इन्होंने हमारे घर में ये हलचल शुरू करी और उन्होंने मेरी मदर की अलमारी वलमारी सब तोड़ दी और उसमें से जितने उनके, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही, उससे पहले आई थिंक वो करवा चौथ था जिसकी वजह से ज्वेलरी मेरी मदर की थी और 4-5 लाख रुपए के करीब कैश मेरी मदर का घर पर ही तो होता है, क्योंकि दिवाली के चक्कर में सबको रिश्तेदारों को बांटना ये वो उसके। और इसी दौरान जो 12:30 के करीब इन्होंने जो उनको ड्रग दिया या पॉइजन दिया, मेरी मदर बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गई। और फिर इन्होंने 1:14 पे, जो हमारे पास वीडियो फुटेज हैं जो आपको भी हमने अभी दिए हैं, उसके अंदर एक लड़का पीछे से हमारी सर्विस लेन से आता है, 1:14 पे वो एंटर करता है हमारे घर में पीछे से और 1:22 पे वो एग्जैक्ट निकल जाता है। और दो मेड्स जो हमारी, एक तो हमने अभी 15-20 दिन पहले रखी थी, वही मेड उसी एजेंसी से एक दूसरी मेड आई थी जो 2-3 दिन पहले आई थी, तो इन्होंने मिलकर ये इंसिडेंट हमारी मदर के साथ किया। और वो हमको फिर ये लोग यहाँ पे 1:22 सारा सामान लेके निकल गए। आपकी मदर की हालत अभी क्या है? मेरी मदर अब आउट ऑफ डेंजर हैं, 72 आवर्स उनको ICU में रखा, अब वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हैं, बट उनकी मेमोरी उस टाइम की बिल्कुल इरेज हो चुकी है, उनको कुछ नहीं याद है, उनको कुछ याद नहीं है। उनको लास्ट ये याद है कि मैंने 10 बजे के करीब अपने ब्रेकफास्ट किया है, 10:30 के करीब जब आप चले गए हो तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में दिवाली का लंच था उस दिन, नेक्स्ट डे संडे को, तो उनको ये याद है कि मैंने एक कुक को बुलाना था और मेरे को यहाँ पे खाना बनवाना था।
एजेंसी ने ही भेजा है दूसरी मेड को भी, और आई वो इसके रेफरेंस से है, मतलब इसको जानती होगी या उन्होंने एजेंसी वालों को बताया, वो जो भी है वो इनका कनेक्शन है। जो लड़का आप कह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से आया था, उस लड़के को कभी आप देखे थे? नहीं नहीं, कभी नहीं देखे हैं, हमने उसको कभी जिंदगी में नहीं देखा। लगभग अगर कैश और सामान और ज्वेलरी जो भी थे, अगर टोटल का हम अनुमान लगाएं तो लगभग कितने लाख का चोरी है? सर मैंने जैसे आपको बोला 4-5 लाख के तो करीब कैश ही था, प्लस मेरे फादर की वॉच थी और मेरी मदर की ज्वेलरी होगी तकरीबन 25-30 लाख रुपये, 8-10 लाख रुपए की वॉचेस होंगी मेरे फादर साहब की, क्योंकि बहुत पुरानी ये वॉचेस हैं, हमारे ग्रैंडफादर से इनको मिली हुई है। और मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है, ज्वेलरी आपकी मदर की ही थी, आपकी वाइफ? नहीं, मेरी मदर की, मेरी दादी की, मतलब हमारे एंसेस्ट्रल ज्वेलरी जो थी मेरी मदर के पास, वो तकरीबन हमारे यहाँ से निकली है। और क्योंकि उनको याद नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ याद नहीं है, और अभी तक हमने उनको कुछ बताया भी नहीं है कि उनको अभी तक, क्योंकि जैसे जैसे हम चाह रहे हैं कि उनको खुद याद आए और वो हमें बताएं, क्योंकि अगर हम उनको देंगे तो हो सकता है इनके लिए शौक हो जाए, एंड शी अभी तक शायद वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही है, खुद मूव नहीं कर पा रही। इस मैटर पे पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने क्या किया? पुलिस से उसी दिन कर लिया था, 3 बजे के करीब पुलिस, हमने 100 नंबर पर कॉल किया था और PCO आई, फिर पुलिस स्टेशन से SHO साहब आए, इन्होंने अपना एक SI हैं जो ये IO जो इसमें लगे हुए हैं शशि भूषण जी, वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, और हमने उसी दिन ही अपने आदमी भेज के इनके साथ गाड़ी पर वो दो लड़के इनके हमने उठाए, एक तो इनका जिसमें से भाई था सगा इस इन मेट्स का, उनमें से एक इसका रियल ब्रदर था, और एक इनकी एजेंसी वाले को हमने ट्रैप करवाया था जो इनके कस्टडी के अंदर हमने करवा दिए थे। पुलिस अब क्या कह रही है? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन ही हमें बता रही है कि अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,